कैसे हो दोस्तों, स्वागत है काम आचार में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या जब भी आपके डॉग को वॉक पर लेके जाते हो, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? अ डॉग हार्नेस और अ डॉग कॉलर? दैट्स एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन वी हैव मेड दिस इजी फॉर यू। वॉच द नेक्स्ट 10 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हमने टोटल ब्रेक डाउन किया है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर फरी फ्रेंड एंड व्हाट इज नॉट। ये वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट विल बी व्हाट इज अ डॉग हार्नेस और अ डॉग कॉलर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई यू शुड गेट अ हार्नेस, व्हाई यू शुड नॉट गेट अ हार्नेस, व्हाई शुड गेट अ कॉलर, व्हाई यू शुड नॉट गेट अ कॉलर। इसके बाद यू आर द जज, यू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर योर डॉग। हे, जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग, आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, इट्स फ्री। और अगर आगे जाके आपका मन भर ले तो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज अ डॉग हार्नेस एंड अ डॉग कॉलर। डॉग हार्नेस कुछ ऐसा दिखता है, डॉग कॉलर कुछ ऐसा दिखता है। हम इन दोनों को सिर्फ एक ही चीज के साथ यूज कर सकते हैं, जिसे हम लीश बोलते हैं, जो कुछ ऐसी दिखती है। एंड अब बात करते हैं कि व्हाई डू यू नीड दिस डॉग कॉलर्स एंड डॉग हार्नेसेस। वेल, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि आप जब भी आपके डॉग को वॉक करने लेके जाते हो, आप नहीं चाहते कि आपका डॉग भाग जाए, इसलिए वी यूज दीज कॉलर्स एंड हार्नेसेस टू कंट्रोल देम, ताकि वो आपके ही अराउंड रहे एंड ना कि वो भागने की कोशिश करे या फिर भाग जाए। तो फिर देर इज अ प्रोटेक्शन, अ सिक्योरिटी फॉर योर डॉग। एंड सेकेंड रीजन हो सकता है फॉर ट्रेनिंग। डॉग्स ऑफन गेट वेरी एक्साइटेड वाइल ट्रेनिंग। आपका फेस देख के, आपका एक्साइटमेंट वाला फेस देख के, आपके हाथ में जो ट्रीट है उसको देखकर, सो दे ऑफन गेट वेरी वेरी एक्साइटेड। कभी कभार वो जंप करने लगते हैं एंड इवन दे इग्नोर योर कमांड। और ऐसी सब चीज़ों से ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। योर ट्रेनिंग सेशन गेट्स रूइंड बिकॉज ऑफ दिस। सो व्हाट डॉग ओनर्स डू इज यूज दिस कॉलर्स एंड हार्नेसेस टू कंट्रोल देम, ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे और वो ट्रेनिंग सेशन ईजीली आगे बढ़ा पाए। वो जंप पे ना ध्यान दे, ज़्यादातर अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दे। यही मेन गोल होता है इन हार्नेसेस और कॉलर्स का। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई शुड गेट अ हार्नेस। अगर आपके पास एक पपी है जो अभी वॉकिंग करना सीख रहा है, तो फिर हार्नेस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि जो पपीज कॉलर में सीखते हैं, उनका पैर लीश में टैंगल्ड हो जाता है एंड इट कैन हर्ट देम। बड़े एज में नहीं समझता, लेकिन पपी के एज में छोटे से छोटी इंजरी एक बड़ी इंजरी हो सकती है। सो फिर यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर दैट। सेकेंडली, अगर आपके पास एक लार्ज स्ट्रॉन्ग और बड़ी ब्रीड है, तो फिर आपको पता होगा उन्हें वॉकिंग कराते वक्त आपके हाथ पर कितना प्रेशर आता है। इट्स सो स्ट्रेसफुल, इट्स सो पेनफुल। और हार्नेस से ये चीज़ थोड़ी अवॉइड हो सकती है, क्योंकि हार्नेस से आपका डॉग, लार्ज डॉग कंट्रोल में रहता है एंड ऑल्सो उनका जो प्रेशर है वो स्ट्रैप से डिवाइड हो जाता है एंड आपके हाथ पर इतना प्रेशर नहीं देता है। इफ यू हैव अ स्मॉल ब्रीड, आपको तो पता ही होगा कि वो कितना पुल करते हैं लीश पे। स्मॉल ब्रीड्स आर प्रोन टू पुलिंग ऑन द लीश, तो फिर इसके लिए आई वुड प्रेफर अ हार्नेस। तो फिर इससे उनके नेक इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे एंड ऑल्सो इट्स अ बेटर, सेफ एंड ईजी ऑप्शन फॉर यू। ऑल्सो अगर आप एक हार्नेस लेते हो, तो फिर आपकी एक चिंता कम हो जाती है, क्योंकि हार्नेस आपके डॉग के नेक पर इतना लोड आने नहीं देता है। हार्नेस स्पेशली इसके लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनका आपके लीश का जोर पूरे उनके नेक पर ही ना आए, बल्कि पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाए, और वो होता है वो हार्नेस के स्ट्रैप्स। नाउ लेट्स गेट टू व्हाई शुड नॉट गेट अ हार्नेस। कौन से मेरे को हार्नेस के खिलाफ इतने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर मी आउट क्लियरली राइट नाउ। फर्स्टली, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको लिटरली हार्नेस पहनना पसंद ही नहीं होता है। सो इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर यू टू टीच देम हाउ टू बी कम्फर्टेबल इन अ हार्नेस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हार्नेस आपके डॉग के बॉडी का अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेता है। एंड आई विल लेट यू नो वन थिंग, आपके डॉग के ऊपर आप जितनी ही बड़ी चीज़ डालोगे, वो उतना ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। सेकेंडली, गोल्डन रिट्रीवर, हस्की और ऐसे कई डॉग्स जिनके लॉन्ग फर है, उनके लिए हार्नेस यूज़ करना इज़ अ नाइटमेयर, यानी कि एक बुरे सपने जैसा है। क्योंकि उनका जो लॉन्ग फर है वो हार्नेस और उसके स्ट्रैप्स में अटक सकता है, टैंगल्ड हो सकता है एंड इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। आपको आपके डॉग के फर को काटना भी पड़ सकता है। सो यू रियली वांट टू अवॉइड दैट। चीना हार्नेस, तो हार्नेस में बहुत सारे स्ट्रैप्स होते हैं एंड ऑल द स्ट्रैप्स गो थ्रू द स्टमक एरिया ऑफ अ डॉग, जिससे उसे मार्क्स और रैशेस हो सकते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रैप्स कंटिन्यूसली पुल किए जाते हैं,
by us, the owners, जो वो leash और उनको control करते हैं, and it can be very very uncomfortable. मेरे dog ने ये personal experience किया है, and I can tell it's very very painful. और मुझे मजबूरन कॉलर पे आना पड़ा. आई एम होपिंग बाय नाउ को पता चल गया कि आप एक हार्नेस लेना कंसिडर कर सकते हो या नहीं. अगर आपको हार्नेस रिलेटेड और डाउट्स है तो फिर आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट एंड आई माइट गिव यू अ परफेक्ट सॉल्यूशन. सो लेट्स फर्स्ट हियर आउट व्हाई यू शुड गेट अ कॉलर. डॉग्स यूजुअली प्रेफर कॉलर क्योंकि इट्स मोर लाइट वेट, इट्स मोर इजी टू वेयर, इट्स कंफर्टेबल देन हार्नेस. क्योंकि हार्नेस क्या थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू कॉलर, और हार्नेस कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर डॉग्स बॉडी. एंड एज सेड बिफोर, डॉग्स के बॉडी के ऊपर कुछ भी बड़ी चीज़ रहेगी तो वो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल भी रहेंगे. अगर आपका डॉग उन डॉग में से जिनको लीज से निकल कर भागने की आदत है तो कॉलर इज अ परफेक्ट डिसिप्लिन टूल फॉर योर डॉग, क्योंकि इससे आपका डॉग कंट्रोल में रहेगा. एंड ऑल्सो कॉलर आपके डॉग को जल्दी निकलने नहीं देता है, सो यू हैव अ सेफ साइड. एंड अगर भगवान ना करे आपका डॉग कॉलर से निकल के भी भाग जाए तो एटलीस्ट आपके पास चांस है कि वो वापस आ सकता है, क्योंकि कॉलर पे डॉग टैग्स होते हैं जिसपे आप अपना एड्रेस, नंबर, आइडेंटिफिकेशन, आपके डॉग का नाम, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो. सो फिर अगर आप एक कॉलर ले रहे हो तो एक डॉग टैग भी ले लो, इतना महंगा नहीं आता है. आपके डॉग को कॉलर पहनाना और उसकी आदत डालना इज़ नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि ये चीज़ डॉग खुद से ही अडेप्ट कर लेते हैं, खुद से ही आदत डाल लेते हैं, क्योंकि कॉलर होता है लाइट वेट और वो सिर्फ आपके डॉग के नेक पे ही रैप्ड होता है, नॉट लाइक हार्नेस जो हैवी वेट भी होता है और आपके डॉग का अच्छा खासा बॉडी वो कवर कर लेता है. अब आते हैं कॉलर्स के कौन से विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ पपी और अ डॉग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर अ डॉग और अ पपी एट ऑल मीन्स. क्योंकि बहुत से डॉग ओनर्स क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ हार्नेस, कॉलर और लीश पे छोड़ देते हैं, एंड उनका जो हार्नेस और कॉलर है वो किसी फेंस या फिर विंडो में अटक जाता है एंड दे एंड अप हैंगिंग देमसेल्व्स. यस, दिस इज रियल, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ. देर आर लिटरली केसेस लाइक दिस. और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो दे एंड अप डाइंग. और प्लीज़, दिस इज़ अ सीरियस मैटर, थोड़ा ध्यान दीजिए आप जब भी आपके डॉग को किसी कॉलर या फिर हार्नेस में छोड़ोगे. सो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर. ऑल्सो, बिफोर गिविंग अ डॉग अ कॉलर, प्लीज़ कंसल्ट अ वेटरिनेरियन कि क्या आपका डॉग किसी रेस्पिरेटरी कंडीशन से गो थ्रू कर रहा है. अगर हाँ, देन कॉलर इज़ अ बैड न्यूज फॉर यू. इनफैक्ट आई रिसर्च डीपली ऑन दिस टॉपिक और मुझे पता चला कि अगर आपके डॉग के नेक पर ज्यादा प्रेशर आता है तो इट कैन लीड टू अ लॉन्ग टर्म आई और ईयर प्रॉब्लम. आंखें बाहर आ सकती है, कान डेफ हो सकता है आपका डॉग, एंड इट्स नॉट रियली गुड. क्योंकि आपके डॉग के नेक पर प्रेशर आता है, इसके लिए उनके आंख और ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है. आईज और ईयर्स डैमेज के साथ साथ उनको कुछ सीरियस नेक इंजरीज भी हो सकती है विच कैन बी हार्ड टू रिजॉल्व. सो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम होपिंग बाय नाउ आपको पता चल गया है कि वॉट इज बेटर एंड वॉट इज नॉट. इन माई डिफेंस आई वुड से ऑल द कॉन्स ऑफ द कॉलर्स हैपन ओनली वेन यू डोंट लुक आफ्टर डॉग प्रॉपरली और वेन यू पुल टू मच ऑन द लीश. So yeah, and both are great, both have their own timings and place to be used. So आपको ये easily समझने के लिए मैंने already आपको एक table screen पे दे रखा है, देख लो उसे, समझ लो उसे and वो time पे वो चीज़ use करने की try करो. So yeah, अगर ये video थोड़ा भी helpful था तो please subscribe कर लो हमारे channel को by clicking the logo on the right. And आपको हमारा latest video देखने तो आपको नीचे एक video दिखता होगा. Click on that video and watch that video as well. It's very, very helpful. And take care of your dog. Take care of yourself. Take care of street dogs. They need you. Please, ek do roti din mein dene mein kya hi jata hai. So please take care of them. And I will see you in the next video.